बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। इससे पहले शॉपिफाई की जितनी भी ट्रेनिंग्स दी हैं फ्री में, ये उनसे बिल्कुल हटके है, बिल्कुल चेंज है। उसकी वजह यह है कि शॉपिफाई जो है इसको अब एक्सपर्ट लेवल के एंगल से देखा जाता है, और शॉपिफाई पे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस बेसिकली मिल चुकी है, इंक्लूडिंग मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो ये लेक्चर होगा ये आपको, अगर आपने सही तरह वॉच कर लिया, इसको तवज्जो से वॉच किया, तो आज के बाद शॉपिफाई का कोई और ट्यूटोरियल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। शॉपिफाई को बेसिकली ई कॉमर्स में एक नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो फंक्शंस, एडवांस ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं, और डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है, मज़ीद इस प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो शॉपिफाई के पसंद करने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। इससे पहले कि मैं लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली फेसबुक का ये एक आईडी ये है, और एक आईडी है ये ओल्ड आईडी है, ये न्यू आईडी है। तो आप जो फेसबुक पे ऐड कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो, यूट्यूब के इस चैनल को जिस पे आप वीडियो देख रहे हो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन ईमेल में रिसीव हो इंशाल्लाह। और ये आज की वीडियो आपको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग .com के प्लेटफॉर्म से एंड imfizan.com के प्लेटफॉर्म से जो है वो दी जा रही है ये ट्रेनिंग आज की। shopify.com जो है बेसिकली प्लेटफॉर्म, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है इस टाइम ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स के इस बिजनेस में। और लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्टोर्स रेडी कर लिए हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो अगर आप शॉपिफाई को अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप टेक्नोलॉजी से पीछे चले जाते हो, तो आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। सबसे पहले तो आपने इसका फ्री ट्रायल अकाउंट 14 डेज ट्रायल अकाउंट बना लेना है इसमें। ये ना आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। आप अपना नाम रख सकते हो, अपने नाम के आगे डैश डाल के स्टोर का वर्ड यूज कर सकते हो, कोई भी आप रख सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। क्योंकि 14 डेज जब तक आप अपग्रेड नहीं करते आपका स्टोर वैसे भी लाइव नहीं होगा। ओ
आर यू ऑलरेडी सेलिंग, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, भी कर सकते हो आप, ठीक है ओके। रेडी टू गो, हाउ डू यू वॉन्ट टू सेल ऑनलाइन? सही डिटेल आपने ऐड कर दी है। ये जो मेरा स्टोर है बेसिकली ये पसंद स्टोर, ये एडमिन होगा मेरा। इसको आपने सेव रखना है क्योंकि ये आपके काम होगा। ईमेल आईडी भी आपने, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 14 डेज ट्रायल अकाउंट बनाते हो और डिटेल पुट कर देते हो, आप यहाँ पे आ जाते हो। ये हमारा बैक ऑफिस भी कहलाता है और एडमिन एरिया भी कहलाता है। ये तमाम मेन टूल्स हैं, ये सेटिंग है, ये हमारा स्टोर है। ये इस पर क्लिक करें आई के इस आइकॉन पे, तो ये हमारे स्टोर के होम पेज पे ले जाता है। और इस पर बाय डिफॉल्ट थीम जो है वो इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, शॉपिफाई में सबसे पहला जो स्टेप होता है, लाइक हमने स्टोर में 14 डेज का ट्रायल अकाउंट तो चलो बना लिया, पहला इम्पोर्टेंट जो स्टेप शॉपिफाई में, शॉपिफाई ड्रॉप शिप में देखा जाता है बेसिकली, वो होता है हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढनी है ताकि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे प्रॉपरली काम कर सको। क्योंकि अगर आप शॉपिफाई का जो पैकेज देखो, ये सपोज सेलेक्ट अ प्लान पे आता हूँ, तो ये $29 पर मंथ, $79 पर मंथ एंड $299 पर मंथ। आप जब डेफिनेटली 25 से 50 ऑर्डर्स मंथली लेते हो तो $29 इनफ है। अगर आप जो है आपके ऑर्डर बढ़ गए हैं, 50 से ज़्यादा हैं, तो $79, यानी कि आपने अपने, वैसे तो आपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखना है। अगर आपको 25 से 50 में भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपने खुद डिसाइड करना है कि कितना आपने रखना है, तो आप 29 से अपग्रेड करके 79 पे जा सकते हो और 299 पे भी जा सकते हो। इसमें ट्रांजेक्शन फीस का डिफरेंस है, ठीक है, और स्टाफ अकाउंट्स का डिफरेंस है और लोकेशंस का डिफरेंस है। तो ये तीन ऑप्शन है। इसके अलावा ये तो हो गया, यानी कि शॉपिफाई का प्लान, जब आपने अपने स्टोर को लाइव करना होता है उससे पहले आप पूरी सेटिंग कर लेते हो। और सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए हैं मुझसे वो यही, सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए उसमें से सबसे अहम जो सवाल पूछा गया वो था कि विनिंग प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड करना है। तो मैं आज के इस लेक्चर में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक लेक्चर के अंदर मल्टीपल स्किल्स सिखाता हूँ, तो ताकि जो लेक्चर देखने वाला है, जैसे आप अभी इस लेक्चर में जो है इसको वॉच कर रहे हो बेसिकली लेक्चर को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से चंद जो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको।
कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ये बेसिकली कुछ वर्ड्स हैं और इनको आप यूज करके और प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो जो बाकी लोग प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंगर के नाम से ये एक स्टोर वालों का पेज है, इन्फो एंड एड्स में आके आपको अगर यहाँ पर कोई एड चल रही होगी तो आपने उस प्रोडक्ट को अपने पास भी ट्राई करना है। ठीक है, अभी कोई ऐड नहीं चल रही इसमें। पिनास वॉच इन्फो एड्स में है, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, फिलिपाइन। ये फिलिपाइन में प्रमोट की जा रही है इस टाइम। ओके, एक और एक, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो फिलिपाइन में। तो ये प्रोडक्ट जो है इसको मैंने कॉपी किया, एलिएक्सप्रेस पे आया और मैंने मैच किया प्रोडक्ट के ऑफिशियल पेज को, यानी जो ऐड जा रही है उसमें जो वीडियो आ रही नजर उसको, और इसको तो ये $12 की मिल रही है और ई पैकेज में इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि हमने जब भी अमेरिका के लिए प्रोडक्ट चूज करनी है तो ई पैकेज का ऑप्शन देखना है कि ई पैकेट जो है अगर है तो हमें जो डिलीवरी है उसमें सेपरेट चार्जेस नहीं पे करने पड़ते जब तो हम क्लाइंट के लिए ड्रॉप शिप कर रहे होंगे। तो ये वैसे 12.85 डॉलर की है और ये अपनी इस पेज पर अगर हम जाएं ये शॉपिफाई स्टोर है उसके लिए, तो $28 की दे रहे हैं और मिल रही है बेसिकली $12 की। ठीक है, 28 तो तकरीबन यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3-4 डॉलर इन्होंने फेसबुक एड्स के जहन में रख लिए। तो ये जो है एक तरीका, ये डिफरेंट क्यूरीज हैं जो आप इधर फेसबुक में सर्च करवाते जाओगे और आपको मुख्तलिफ लोगों की प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। आप वहाँ से आइडिया लेते जाओगे जो एड्स रन कर रहे हैं उनको आपने उनकी ऑफर को आपने उसी कंट्री में जिसमें वो रन कर रहे हैं उसी में आपने ट्राई करना है। ठीक है, तो देखने क्या रिजल्ट आपको मिलता है। ये है विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका का, अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम लगा के करो तो। ठीक है, और जो फेसबुक ऐड इसको आप अपने पास सेव कर लोगे, जैसे कि ये है इसको आप जो है फॉर एग्जांपल इस पे तो इन्होंने अपना वो दिया हुआ है
यानी कि वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, अगर ना दिया होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये सेम वीडियो भी हम यूज़ कर सकते थे, और वो कैसे कर सकते थे, रिव्यूज अपने, ये फॉर एग्जाम्पल ये है जनवरी 3, और इसके बाद इसको हम यहाँ एम, हमने एम और फेसबुक, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड फॉर एग्जाम्पल, एम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जो डाउनलोड है ये तो एच डी क्वालिटी में डाउनलोड करने की सहूलत देते हैं बेसिकली। इस तरह यानी कि वीडियो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी ऐड की वीडियो, और उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हो, इवन ये जो डिटेल है इसको भी आप अपने पास सेव कर लोगे, ताकि जब आप सेम ऐड चलाओ तो आप थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके तो आप जो है वो ऐड चला सको, आपको एक आइडिया मिल रहा होता है कि किस तरह से आपने और ये जो है एक विनिंग प्रोडक्ट की निशानी ये होती है कि लोग उस पे इंटरेस्ट शो करवा रहे होते हैं बाय करने की, लाइक फॉर एग्जांपल एंड पॉसिबल फॉर सीओडी, ठीक है, इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं हाउ टू ऑर्डर, कैन आई पे अपॉन डिलीवरी, हाउ टू ऑर्डर, हाउ मच एंड हाउ टू ऑर्डर। अच्छा ये यानी कि एक अच्छी प्रोडक्ट की निशानी है और इसको आप अभी प्रमोट कर सकते हो, ये आपको एक सिग्नल दे रहा है, मैंने जस्ट 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं और एक मैंने विनिंग प्रोडक्ट आप लोगों को लाइव निकाल के दिखा दिया कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाती है, कि और लोग जो प्रमोट कर रहे हैं या और लोग ऑलरेडी पैसे बना रहे हैं शॉपिफाई से वो कैसे बना रहे हैं। तो ये एक नीच जो है वो स्टोर है, बेसिकली शॉपिफाई का नीच स्टोर है, एक प्रोडक्ट पे फोकस है, वो है वॉच, ठीक है, तो ये वॉच के ऊपर जो है वो फोकस एक स्टोर है, और इसमें इन्होंने ये शो करवा रहे हैं कि ये खुद बना रहे हैं, क्योंकि लोगों के जहन में यही डालना होता है बेसिकली कि ये प्रोडक्ट मेरी अपनी है, ये नहीं कहा जाता कि हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग करें या हम जो है वो अलीएक्सप्रेस से ले रहे हैं। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि वो लोगों इतना सस्ता सामान है तो डायरेक्टली अलीएक्सप्रेस से लोग क्यों नहीं लेते, हमसे क्यों लेते हैं। बेसिकली अमेरिकन तो डिसलाइक करते हैं चाइनीज की प्रोडक्ट्स को, तो हम लोग स्टोर जो है इस तरह से बनाते हैं कि हम लोग ये शो करवाते हैं कि हम अमेरिकन हैं, हम एक अमेरिकन स्टैंडर्ड का शॉपिफाई स्टोर बना रहे होते हैं, इस वजह से लोग हमसे बाय कर रहे होते हैं बेसिकली। और जो है एक दो स्टोर आप लोगों को मैं सैंपल के तौर पर दिखाता हूँ, बिलेन शॉप, और ये जबरदस्त इसमें प्रोडक्ट्स डाले गए, मतलब इसको आप क्लिक करते हो और तो ये आपको जबरदस्त सा बाय नाउ का बटन, और तो ये एक स्टोर दिखा है और एक स्टोर ये है, बड़ा जबरदस्त सेटिंग की गई है, और
ये सही तरह की डिटेल ऐड है इसमें, रिव्यूज ऐड है, तो 8 रिव्यूज है इसमें, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में स्टोर को सेट किया गया है, और ये एक अच्छे स्टोर की निशानी है कि इसमें प्रॉपरली एक लोगो लगा हुआ है और मेन मेन्यू ऐड है, प्रोडक्ट की टाइटल है, प्राइस है, और उसकी एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है, बाय नाउ का बटन है, विजिटर्स के बारे में बताया गया, बकाया स्टॉक के बारे में बताया गया, और बैच ऐड किया गया, ट्रस्ट की होती है, और जो है एक एनिमेटेड वीडियो, एनिमेटेड इमेज सॉरी, डिस्क्रिप्शन और उसके फीचर मजीद, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग पेज पे डाल देगी, और मजीद ये बताया गया कि इस बंदे ने बाय किया है ये वाली प्रोडक्ट हमारी, इससे लोगों के अंदर एतमाद बढ़ जाता है कि ये जो स्टोर है ये वाकई में रियल स्टोर है, जिस तरह ये बार बार एक नोटिफिकेशन आ रहा है इधर बॉटम से, तो ये लोगों को उकसाता है कि आपने इस प्रोडक्ट को आप भी बाय करो, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट कहलाता है, तो ये एक स्टोर दिखाने का मकसद भी ये था। अच्छा, उसके अलावा शॉपिफाई के अच्छे अच्छे स्टोर देखने के लिए आप इस टूल पे जाते हो, और इस यूआरएल पे हमें शॉपिफाई पे होस्टेड तमाम स्टोर्स की डिटेल मिलती है, मैंने लिंक डायरेक्टली सेव किया हुआ है इसमें, वैसे मैं गया था इधर वेबसाइट्स में, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट डेटाबेस में, और इधर से आके मैंने शॉपिफाई को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से हम किसी भी होस्टिंग सर्वर की डिटेल मालूम कर सकते हैं कि उस पर कौन कौन सी साइटें होस्ट हैं। ठीक है, तो मैं उस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा, और ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट शॉपिफाई स्टोर्स हैं और उनके नेम सिस्टम चल रहे हैं, ये टॉप के स्टोर्स हैं बेसिकली, यानी कि ये रैंकिंग इनकी टॉप में आ रही है, तो ये डिफरेंट स्टोर्स आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं शॉपिफाई पे, यानी कि आपने लुक वाइज उनको देखना है, प्रोडक्ट्स का आइडिया आपको मिलता है यहाँ से कि लोग किस तरह से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि होम पेज को इतना ज़बरदस्त सेट किया हुआ है, ठीक है, तो जबरदस्त, बुलेट प्रूफ, ये एक और शॉपिफाई स्टोर ओपन किए, फीचर्स बताए हैं उसके, रिव्यूज दिए हैं उसके बारे में, मजीद जो है वो प्रोडक्ट्स को शो करवाएगा, तो ये शॉपिफाई के जो स्टोर थे टॉप के उनको देखने का तरीकाकार है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप गूगल में जाके जो है शॉपिफाई स्टोर्स फाइंड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल किड्स से रेलिवेंट आपने शॉपिफाई स्टोर्स ढूंढने, तो इस तरह से माई शॉपिफाई डॉट कॉम स्पेस देखे किड्स, फॉर एग्जाम्पल मुझे वेट लॉस के चाहिए, तो मैं ये वेट लॉस से रिलेवेंट एक शॉपिफाई स्टोर है, तो वेट लॉस की प्रोडक्ट इसमें ऐड किए गए, तो यानी कि ये एक ऐसा तरीका कार है कि आप कोई शॉपिफाई स्टोर अपने किसी स्पेसिफिक नीड के मुताबिक ढूंढने वो भी मिल जाएंगे, तमाम के तमाम शॉपिफाई स्टोर्स की डिटेल आपको मैंने दिखा दी है, और जो है वो रन टाइम पे लाइव मैंने आप लोगों को कह लो ये दिखा दिया कि कैसे आपने एक हॉट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, हॉट प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात लेनी है, तो ये मुख्तलिफ तरीकेकार हैं विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के, एग्जांपल स्टोर भी मैंने दिखा दिए और लाइव एड्स जो चल रही थी वो भी मैंने दिखा दी। इसके बाद बेसिकली हम आ जाते हैं अपने स्टोर की तरफ,
कि उसको हमने सेटिंग कैसे करनी है ताकि जो है लोग हमें इजीली ऑर्डर दे सके। ये सेटिंग है, सेटिंग में आप आके जनरल में, और ये आपके स्टोर का एक्चुअली नेम होता है, आपका ईमेल एड्रेस किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हो, बिजनेस नेम आप अपडेट कर सकते हो बेसिकली, और टाइम जोन बता दिया आपने इसमें, और इसके बाद स्टोर करेंसी आप USD यहाँ पर करोगे, और इसके बाद ये हो गया हमारा जनरल सेटिंग। उसके बाद पेमेंट प्रोवाइडर, डेफिनेटली आपने अपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, तो मैं वैसे रिकमेंड करता होता हूँ कि आप एक वक्त में दो ऑप्शन जरूर अनेबल करो, एक तो पेपॉल वाला, दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला, ताकि कुछ किसी के पास पेपॉल का ऑप्शन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से आपको पे कर दे, और क्रेडिट कार्ड में आप टू चेकआउट हाईली रिकमेंडेड है, और स्ट्राइप, ये दोनों जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। स्ट्राइप इजीली पाकिस्तान में बन रहे, आप उसका अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद यहाँ स्ट्राइप चूज करके और स्ट्राइप के पेज पे जाएगा, लॉगिन करवाएगा, वहां पर अलाउ करवाएगा, इसी तरह से पेपाल में जाएगा, पेपाल में अलाउ करवाएगा, और आपका पेमेंट प्रोवाइडर्स के इस ऑप्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आपने स्टोर को लाइव करने से पहले ये सारी सेटिंग करनी है। चेकआउट में हमें जो कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस जो शिपिंग है इसमें बड़ा जबरदस्त एक तरीकाकार एडिट करते हैं। तो इसमें हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऑप्शन पे आके, और पहला जो रेट ऐड करना है बेसिकली, मैं दोबारा से प्राइस बेस्ड, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी, प्राइस बेस्ड रेट्स। अच्छा, ये शिपिंग में हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ फ्री शिपिंग का 30 ऐड करके, और यहाँ पर फ्री शिपिंग डन, ठीक है, दोबारा ऐड रेट। ये सबसे आसान तरीकाकार है, और आपका स्टोर जल्दी इस तरह स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हम कर देते हैं 4.95 डन, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप ऐड कर दो, डन। ये तीन ऑप्शन आप ऐड करके इजीली, सबसे ज़्यादा ये मिड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे लोग, और इजीली आपको पे करेंगे शिपिंग की कॉस्ट। अदरवाइज आप अगर ऐड करोगे तो वो लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, जो क्लाइंट होता है नाराज़ होने लग जाता है कि ये
जो है वो सेपरेटली शिपिंग चार्जेस हमें पे करने पड़े। तो अगर आप ये वर्ड ऐड करते हो साथ, ये आपको चेकआउट वाले पेज पे नजर आएगा और इजीली ये सबसे ज़्यादा लोग चूज़ करेंगे ये मिड वाला, ठीक है। फ्री शिपिंग को प्रेफर नहीं करेंगे जब वो ये पढ़ लेंगे। ये जो है शिपिंग की सेटिंग करने के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस में, और सेटिंग में दोबारा वापस आ जाते हैं। टैक्सीज में हमें जो है वो कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और लोकेशन में भी हमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में भी हमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है वो सारा सेट होता है। और फाइल में भी हमें इमेज जो भी हम अपलोड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, वो यहाँ पे शो होती है। सेल चैनल में जो है आप फेसबुक और बाय बटन और मैसेंजर इस तरह की सर्विसेज ऐड कर सकते हो, मगर इसकी आपको स्टार्ट में ज़रूरत नहीं होती। और ये अकाउंट है जी, ये मैंने बनाया और उसकी डिटेल आ गई, ठीक है। और बिलिंग में भी आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर दोगे, तो जैसे ही आप यहाँ से प्लान चूज करोगे उसके मुताबिक इस क्रेडिट कार्ड से डिटेल जो है वो पेमेंट जो है वो बेसिकली डिडक्ट होती रहेगी, ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने पहले से ही शॉपिफाई वालों ने ऑप्शन दिया है। अच्छा, ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। यहाँ से आप लीगल को ओपन कर लेते हो, और इधर से आप जो है वो पेजेस को ओपन कर लो पेजेस, और इधर सेटिंग में आके लीगल, ठीक है। ये पेजेस बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि शॉपिफाई ने ये पेजेस आपको बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं। अनक्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इधर पेजेस में आए, ऐड पेज किया। बहुत ही आसान काम है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल यही लग रहा होता है कि आपने अपने स्टोर के लीगल पेजेस कैसे बनाने। जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव, बस इतना सा काम था। ये एक हो गया पेज। अब हम दूसरा पेज बनाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का, और ये ऐड पेज किया, और प्राइवेसी पॉलिसी मैंने जैसे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर दिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ये ज़रूरी है, ये आप नहीं ऐड करोगे तो लोग आपके स्टोर पे ट्रस्ट नहीं करते। ये पेजेस आपने स्टार्ट में ही ऐड करने हैं, उसके बाद आप वापसी पेजेस में जाओगे, ठीक है। और ऐड पेज, टर्म्स ऑफ सर्विस, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, सेव कर दिया। उसके बाद आप जो है बस ये तीन पेजेस आपको शॉपिफाई बेसिकली क्रिएट करने की सहूलत देता है। बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, जो कि तमाम मोस्टली कंट्रीज के लॉ को जो है वो जो एक जनरल लॉ है सेलिंग का, ऑनलाइन सेलिंग का, उसको मीट करता है। तो ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे वो यहाँ से आपको मालूम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा होगा कि एक ऑर्डर आया, दो है, तीन है, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोगों ने पेमेंट करते करते छोड़ दिया वो अबंडेंट चेकआउट्स में नज़र आएगा आपको। आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे जाके aliexpress.com, ठीक है, आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। और यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है इसको हिडन कैमरा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में बाय ऑर्डर्स में इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्री शिपिंग इसके अलावा थोड़ी सी हमने इसके रेगुलेशन
रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ा दी, फिल्टर बेसिकली बढ़ा दिए। और फॉर एग्जाम्पल जो है इसकी वीडियो हम लोग जो है वो अपने इवन फेसबुक की ऐड चलाने में यूज कर सकते हैं। ये वरना वीडियो का खुद भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, आपके पास जो है वो ये है, मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। कैमरा 001 ये इजाफी जो है ऑप्शन के साथ है। अच्छा, और बेस्ट हिडन कैमरा, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो तो इसे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा। आप इसे वाईफाई डैश कैमरा, थोड़े से जो फीचर मेन फीचर और स्पेसिफिकेशन मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँ। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम यहाँ से मजीद तस्वीरें भी देख के वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए मैं इसको अपलोड इमेज और जो मैंने बर्थडे डेस्कटॉप पे सेव किया था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह और मजीद इमेजेस ऐड करेंगे तो इधर साइड पे मजीद नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी लेनी है, मैं इसको इसमें यहाँ पर आकर अच्छा ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो गई। अच्छा, ये यहाँ पे प्राइस है, फॉर एग्जांपल GB 32/63, ठीक है, तो मैं इसको डबल रख लूँगा, लाइक $99 या $120, इस तरह से मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल 99 डॉलर, ठीक है, $39 ये हो गया। अच्छा, और क्वांटिटी में मैं मेंशन कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 99 पीसेस मेरे पास अवेलेबल है, इसका 1 kg वेट कर देगा। ठीक है, और इसको हम जो है वो मैनुअली फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे क्योंकि हम इस टाइम मैनुअली काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ऐप कर सकते हैं बर्लो के नाम से, और ये मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट वेंडर में मैं अपने ही स्टोर का नाम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ कलेक्शन में मैं होम पेज कर रहा हूँ और सेव। ये यानी कि एक प्रोडक्ट को ऐड करने का मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऐड करने का दिखा दिया। क्यों, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है मैं प्रोडक्ट कैसे ऐड करूँ। ये इजीली प्रोडक्ट ऐड हो गई। जितना भी ये स्टोर की मेन चीज़ ये थी कि कैसे स्टोर में आप प्रोडक्ट ऐड करते हो और उसमें जो है वो प्राइस कैसे मेंशन करते हो। अब इसमें हम वेरिएशंस भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड वेरिएंट्स में आया, और मैंने यहाँ पे देख लेना है कि ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं।
इसमें है कलर नेम, ठीक है। ये है जी स्टैंडर्ड और ये है जी हार्डवेयर, एड हार्डवेयर किट, स्टैंडर्ड एड हार्डवेयर। हम इसको बस ज़्यादा नहीं इसको कॉम्प्लेक्स करते, ठीक है। और इसमें एसडी कार्ड मेमोरी वाला ऑप्शन हम ज़रूर ऐड करते हैं ताकि लोग अपनी मर्जी की जो उसकी मेमोरी है उसको चूज़ कर सकें। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं इधर आके एसडी कार्ड मेमोरी, ठीक है, ऐड एसडी कार्ड मेमोरी, और इधर मैं सेपरेट कर दूंगा कॉमे के साथ। फॉर एग्जांपल 16G कार्ड, 32 नो कार्ड, 16G कार्ड, 32G कार्ड, नो कार्ड, कोमा कोमा जैसे मैं लगाता हूँ तो ये इसमें ऐसे ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये भी 99, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव। आप जैसे सेव करेंगे और ये सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है कि इसमें वेरिएशंस कैसे ऐड करने हैं, तो ये मैं आपको, ये देखो अब ये इजीली चूज कर लेगा और बाय नाउ कर देगा, ठीक है। अब बेसिकली इसकी प्राइस चेंज होगी, 16 GB के साथ ये नॉर्मल प्राइस, 32 के साथ थोड़े से ज़्यादा, नो कार्ड के साथ कम, ठीक है। तो हम इसको यानी कि फॉर एग्जांपल 16G के साथ, अच्छा नो कार्ड के साथ 99, 16G के साथ इसको 109, 149, ठीक है। अच्छा वो सेव कर दिया इसको हमने, और 16G के साथ करना था, 16G के साथ इसको 109, 149, ठीक है। 32 के साथ इसको हम कर देते हैं जी 119, 159 सेव, और नो कार्ड के साथ इसको 109 का ही रहने देंगे। तो ये आपने देख लेना है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन ये आ रहा है, नो कार्ड 99, 16 के साथ 109, 32 GB कार्ड के साथ 119। इस तरह से जो मैंने ऐड कर रहा हूँ मैं वो हो रहा है सक्सेसफुली, यानी कि स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करना आज के बाद आप लोगों का मसला खत्म हो गया कि शॉपिफाई में प्रोडक्ट ऐड करना और वेरिएशंस ऐड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। ये वेरिएशंस ऐड करो। अब मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड करते वक्त आप लोगों को वेरिएशंस ऐड करना सिखाए हैं, ठीक है। इसमें हम चले जाते हैं जी एडमिन एरिया में इस, और ठीक है ये हमने इसमें वेरिएशंस ऐड कर दिए और उसके मुताबिक यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकता था, मेरी जो मर्जी आएगी मैं अपने इस प्रोडक्ट के पेज पे वो ऑप्शन जो है वो अपडेट कर दूंगा। और ये रीऑर्डर भी मैं कर सकता हूँ कि किसको पहले कौन सा पहले सेलेक्ट हो, कौन सा पहले नज़र आए और कौन सा बाद में नज़र आए, इस तरह ताकि यूज़र अपनी मर्जी से देख सके, चेक कर सके। तो ये प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका कार होता है। अच्छा उसके बाद कलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि कलेक्शन आप बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐड कर देता हूँ बेस्ट सेलर, जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने इसको एस बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आ रही है इसको ध्यान में रखना है। ये बेस्ट का आप टैग लगा सकते हो या बेस्ट सेलर का आप टैग लगा सकते हो, जो भी, बट ज़्यादा इजी बेस्ट रहेगा। और इसको आपने नाम दे दिया बेस्ट का, ठीक है। बेस्ट सेलर्स ये हमारा टाइटल आ गया और ये टैग हम जब ऐड करेंगे बेस्ट का, ठीक है, तो ये बेस्ट सेलर के जो कलेक्शन है वहाँ पर नजर आएगी।
इस तरह आप अपनी तमाम कलेक्शन जो है वो उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स का ऑप्शन। उसके बाद जितने भी आपको ऑर्डर मिलते हैं और जो कस्टमर होते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारे स्टोर पे जितने भी यूज़र आते हैं उन्होंने कौन कौन सा हमारे प्रोडक्ट का पेज देखा और कितनों ने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट तक पहुँचे, कौन कौन से लोग कन्वर्ट हुए यानी कि सेल क्लोज हुई, वो सारी डिटेल इस एनालिटिक्स के ऑप्शन में नज़र आ रही होती है। और ये शॉपिफाई का बेस्ट जो है वो कह लो कि टूल है शॉपिफाई में। और ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक स्टोर चला रहे होते हो तो आपको प्रॉपर एक एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है जो कि इन्होंने बीच में ही ऐड किया हुआ है। ये बेसिकली शॉपिफाई जो है वो इनका टूल है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स की कैंपेन कैसे बना के चला सकते हैं, ये हेल्प करते हैं ऑर्डर लेके देने में। ठीक है, उसके लिए आपको मार्केटिंग की कैंपेन बेसिकली बना कर देते हैं। हम कूपन कोड अपने बना सकते हैं ताकि हम डिस्काउंट कोड बेसिकली बना सकते हैं ताकि हम जो है अपने कस्टमर को कूपन कोड प्रोवाइड कर दें और यानी कि ईमेल करके प्रोवाइड कर दें या अपने स्टोर पे डिस्प्ले कर दें ताकि वो चेकआउट के टाइम पे डिस्काउंट कोड अप्लाई करके डिस्काउंट हासिल कर सके। तो ये डिस्काउंट का ऑप्शन ऑलरेडी इन्होंने बिल्ट इन रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टोर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एप्स। ठीक है, और एप्स में बहुत सारी एप्स हम आपको मिलती हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये विजिट शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करके आप शॉपिफाई जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं इसी तरह शॉपिफाई की एप्स हैं। और अगर एप्स ना होती तो शॉपिफाई आप कह लो कि 25% सक्सेसफुल होता। ये एप्स ही हैं कि हम एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड में एप्स होती हैं जिनकी वजह से हम एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लाइक कर देते हैं, उसको मोबाइल को लाइक कर देते हैं। ये एप्स ही हैं जिसकी वजह से हम आईफोन के आईओएस को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली लाइक कर रहे हैं। तो ये फीचर्स होते हैं बेसिकली, ये फीचर्स ऐड करने में एप्स का कमाल है बेसिकली शॉपिफाई स्टोर पे। और इसमें एक जो ऐप है आप क्लियर रिव्यूज ये ज़रूर अपने पास इंस्टॉल करो ताकि आप अपने पेज पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे रिव्यू ले सको, ये ऐड करो। इसको इंस्टॉल कर दिया, इसके फ्री वर्जन भी है पेड भी है। ठीक है, जो उसके बाद उबर लो, ये भी मैं इसका फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ। इसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल इस पेज पे जो भी रिव्यूज है इसको कॉपी किया, मैनेज रिव्यूज में आया, इंपोर्ट रिव्यूज किया, इसकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, और ये आप क्रोम में करोगे। ठीक है, मैंने ओपरा किया हुआ है और हो गया और इसको मैं लेता हूँ रिफ्रेश पैरा ब्राउजर के लिए। जब अपैरो में उसके बाद आप जस्ट इंपोर्ट क्लिक करोगे और यूआरएल पुट करोगे तो ये सारे रिव्यूज इंपोर्ट कर देगा और ये आपका जो है इधर रिव्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगे इधर बॉटम पे। तो रिव्यूज आपके स्टोर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो एप्स के जरिए आप मुख्तलिफ फीचर्स ऐड कर रहे हो तो ये जो प्रोडक्ट का पेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है यूज़र कन्वर्ट करने के लिए। यूज़र को एक आम एक विजिटर को कस्टमर बनाने के लिए जो प्रोडक्ट पेज है ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद
ओवरलो ये ऑटोमेशन के लिए होता है कि आप वन क्लिक पे जो है वो प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में आप ले आते हो और सारा कुछ ओवरलो खुद संभालता है फिर, ठीक है? तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये अब जो है आप ओवरलो एड टू इंपोर्ट लिस्ट, इंपोर्ट लिस्ट पे आ गए। उसके बाद हम अपनी मर्जी के इसमें ये ओके और कलेक्शन हम होम पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। टाइप आउटडोर, ठीक है, इसको बेस्ट कर देते हैं, बेस्ट। ठीक हो गई, बेस्ट के टैग में ऐड हो गया और डिस्क्रिप्शन इसकी ये आ रही है, ठीक है। और वेरिएशंस हम यहाँ पर जो है शिपिंग प्राइस, ये कॉस्ट है, ये शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर है जी अप्लाई और कंपेयर एट, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद जो है मजीद अगर कोई सेटिंग हमने देखनी है इमेजेस में तो हम देख सकते हैं। और उसके बाद इम्पोर्ट टू स्टोर, ये इम्पोर्ट हो रही है, ये ओवरऑल जो है वन क्लिक पे आप इम्पोर्ट कर सकते हो। ये हमारे प्रोडक्ट जो है हमारे स्टोर में आ गई है और इसको हम जो है ये जी पोर्टेबल वाटर बॉटल। और इसके अलावा बस लास्ट में हमने इन्वेंट्री में ऐड करना है, जैसे हम इन्वेंट्री में ऐड करेंगे कितने हमारे पास अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये सोल्ड वाला ऑप्शन तो वहाँ पे ऐड टू कार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यानी कि हाथ भी नहीं लगाया और अपनी मर्जी से हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये रिव्यूज यहाँ पर नजर आएंगे, ये ऑप्शन ऐड हो गया क्योंकि रिव्यूज जो है वो ट्रस्ट ऐड करते हैं। आपने अपने स्टोर में ट्रस्ट ऐड करना होता है, प्रॉपर टाइटल, उसके बाद यूजर को आपने जो है सेल प्राइस बताई और एक्चुअल प्राइस बताई, इससे आपने ट्रस्ट कायम किया कि आप जो है वो उसको सस्ते में दे रहे हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में बताया कि क्या चीज़ हम उसको बेचने जा रहे हैं, ठीक है। रिव्यूज ऐड करने आपने वन क्लिक पर रिव्यूज जो है वो ऐड हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसको रिव्यू आपको ऐड करके दिखाऊं, ठीक है। मैं इधर क्रोम में आ गया और इधर एप्स में आया और खाली रिव्यू उस पर क्लिक किया, ठीक है। ये जो
स्टॉक में इस टाइम अवेलेबल है। हम यही चीज सेम नाइनटीन सिक्सटी एट। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह हमने इसका स्टॉक जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मैनेज रिव्यूज पे आया, हमने इधर कर दिया एक्सप्रेस। ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल। इसके सही है, ये सेम। तो इसकी डिजाइनिंग में चेंज, डिजाइन चेंज है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बॉटल बॉटल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं कि जिसको ज्यादा ऑर्डर मिले, और जैसे ये है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर आए जहाँ पर हमने अपना स्टोर ओपन किया हुआ है और ओबरलो की ऐप की हुई है वहाँ पे। और पहले वाली जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको वो ओबरलो में हम पहले लॉग इन हो जाते हैं इसमें आके। ये ऐप से कनेक्ट हो गया। हमने अभी जो है डिलीट कर दी, शॉर्टकट से फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट होगी ओपन इम्पोर्ट लिस्ट। बहुत आसान है, आपने थोड़ा सा एक दबा इसको समझना है कि
सेव कर रहा हूँ कलेक्शन में, मैंने होम पेज कर दिया, टाइप है इसको आउटडोर कर दिया, टैग में इसको बेस्ट कर दिया बोर्ड। अच्छा उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने देख लेनी है, उसमें कोई चीज़ ख़त्म करने वाली तो वो देख लेनी है, ठीक है। हमें कॉस्ट पड़ी है इतनी और हम इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया और इंपोर्ट टू स्टोर कर दिया। तो इसके जो रिव्यूज है इसको हमने बेसिकली कॉपी कर लेना है, सर्च कर रहा हूँ पहले और प्रोडक्ट में आया और इधर से इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि ये पेज सेव कर लिया। ये हो गया जी, 50 रिव्यूज ऐड किए मगर ये दिखाएगा कम, क्योंकि ओके ये बिल्कुल ठीक हो गया। और जो हमने रिव्यूज इंपोर्ट किए थे यहाँ पर व्यू होने चाहिए, अगर व्यू नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमने चेंज कर ली थी अभी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कर लेते हैं, ठीक है। हिडन कैमरा जिसमें हमने किया था ऑर्डर वाइज, और डैश कैमरा जैसे यही था, और स्टाइल्स का ज़्यादा ऑर्डर एड्रेस और इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपने एक दफा आपको जब सारी चीज़ों की समझ आ जाती है तो ये ऐसे सारे रिव्यूज ऐड हो गए और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन ऐड होते जा रहे होते हैं। आप टाइम टू टाइम इसमें जो है मज़ीद ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा आप और भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइक स्केरसिटी और
2 दिन के लिए फ्री ट्रायल दे रहे हैं, उसके बाद जो है ये इस तरह से टाइमर ऐड कर देगा आपके स्टोर में कि कितनी देर रहती है और ये डील ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जो जो आपके पेज पे आया होता है उसके अंदर जो है वो तजस्स बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। तो ये भी आप ऐप अपने पास कर सकते हो। इसके अलावा आपका अगर थीम में ये सारी चीज़ें अच्छा थीम है तो उसमें ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल होती हैं, आपको सेपरेटली ये एप्स नहीं करनी पड़ती। अच्छा ये भी जो है वो ड्रॉपिफाई के नाम से एक ऐप है, जैसे ओबरलो है इस तरह ऐप है ड्रॉपिफाई, ये भी आप कर सकते हो। और ये इसकी भी एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है, जैसे ये यहाँ पे हुआ हुआ है ड्रॉपिफाई के नाम से। तो ये बेसिकली एप्स का मकसद होता है कि आपका टाइम बचाना, तो ये जो है वो टाइम आप जो है कह लो कि आपका बचता है एप्स इंस्टॉल करने से। ठीक, ओके। उसके बाद हमारा जो इधर लास्ट सेक्शन सेक्शन है उनमें ये मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट, इसलिए मैंने ओबरलो पर भी टाइम लगा दिया है। इससे पहले आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट निकालने जो है अभी ओबरलो में प्रोडक्ट निकालने में और उससे पहले विन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो भी निकालते हुए मैंने टाइम लगाया, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि शॉपिफाई पे जब काम करना है तो आपने किस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है आपके होम पेज की सेटिंग। होम पेज अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो ये जहन रखना कि आपका यूजर सही तरह कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल इसकी कोई भी सेटिंग नहीं की, इसके हेडिट होम पेज, और जो आपका होम पेज होता है उसको आपने सही तरह से उसकी जो है वो सेटिंग करनी होती है, ताकि जो है आपका जो यूजर है वो आए और वो उसको पता चले कि प्रोफेशनल एक थीम हुआ हुआ है। ठीक है, और इसमें जो आप थीम है इधर आप आते हो व्यू, सॉरी सेट थीम स्टोर। ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे ये बाउंडलेस, ये एक थीम अच्छा है। ठीक है, ब्रुकलिन के नाम से थीम है। वो अच्छा थीम है, फ्री थीम चलते जाते। और ब्रुकलिन ऐड थीम, जब आप थीम इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आप जो है ये ऐसे डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होता, इसको आपने एक्शंस पे क्लिक करके एक्टिवेट करना होता है। ये थीम हो गया पब्लिश पब्लिश। ठीक है, इस तरह थीम आपने अपने स्टोर पे बेसिकली पब्लिश करना होता है ये। ठीक है, ये एक जबरदस्त थीम है। इसके बाद आप प्रोडक्ट को ओपन करते हो, ये आपका थीम है जी। और इस मामले में जिसको ये वाइड एरिया में दिखा रहा है। ठीक, तो ये आपका थीम, इसके हम होम पेज की सेटिंग करके देखते हैं। ये स्लाइडर है, ठीक है, स्लाइडर को स्लाइड वन है, ये आप स्लाइड चेंज कर सकते हो। ठीक है, और कलेक्शन लिस्ट,
सिलेक्ट कलेक्शन बेस्ट सेलर सिलेक्ट, ठीक है इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर लेते हो। कलेक्शन नंबर टू सिलेक्ट कलेक्शन होम पेज, ठीक। और यानी कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को अपने डिस्प्ले कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर इस तरह कलेक्शन की आप लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हो ताकि जो है आपका होम पेज बेसिकली खूबसूरत लगे और आप जो है आपका यूजर जो है सिर्फ प्रोडक्ट के पेज पे सिर्फ नहीं आएगा, बाज़ बात वो होम पेज पे भी आता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने होम पेज को प्रॉपरली सेट करना है। प्रोडक्ट जो है वो आपने जो भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो वो आपने डिस्प्ले करनी है ताकि यूज़र के लिए आसानी हो और वो प्रोडक्ट को बाय कर सके। ये आपका होम पेज पे आपने टाइम लगाना है, हर थीम के हिसाब से जो है वो सेटिंग आपने करनी है। और सेव करके उसके बाद में जब आप अपना सारी सेटिंग कर लेते हो उसके बाद आपने बेसिकली उसके बाद आपने इसमें पैकेज सेलेक्ट कर लेना है। उससे पहले आप बैकएंड की सारी यानी कि इधर जैसे आप लोगों को सेटिंग बता रहा हूँ ये सेटिंग करते जाना है, ठीक। ब्लॉग पोस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। पेजेस डेफिनेटली आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड करो ताकि यूज़र आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आप उसमें मेल करके उसका मेल को ऐड करके और यूज़र के लिए आसानी पता कर सकते हो कि वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सके। अच्छा उसके बाद नेविगेशन में आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन मेन्यू में आ गए, ठीक है। और ये होम हो गया और ये कैटलॉग हो गया, ऐड मेन्यू और कॉन्टेक्ट। उसके बाद यहाँ क्लिक किया पेजेस में आया सिस्टम में, इट मींस कि फिर पेज को हमने ऐड नहीं किया, ऐड अ पेज हमने इसको मेन मेन्यू ऐड मेन्यू पे क्लिक किया और अब आना चाहिए। अच्छा इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर तो रिफ्रेश कर लेते हैं और उसके बाद हम ऐड मेन्यू में आज पहले पेजेस में देखते हैं कि आ गया कॉन्टेक्ट, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुआ होता तो इस वजह से ये मेन्यू हमारे ये होम पेज पे टॉप पे नजर आएगा, ठीक है ये वाला जो मेन्यू। और फुटर में भी हम शो करवाना चाहते हैं तो ये नेविगेशन बेसिकली मेन्यू आप सो कहते हो कि मेन्यू का ऑप्शन जो हम अपनी स्टोर में अपनी साइट में डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और पेजेस और रिफंड पॉलिसी, हम इसको रिफंड पॉलिसी ऐड कर देते हैं और हम टर्म्स ऑफ सर्विस ऐड कर देते हैं। सेम ये फुटर में डिस्प्ले होगा और जो पहले सेटिंग किया वो हेडर में, यानी कि आपने जो है वो अपने स्टोर की प्रॉपर एक सेटिंग करनी है। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये रिफंड का ऑप्शन बॉटम पे आ गया, हर पेज के बॉटम पे नजर आएगा। डेफिनेटली सेटिंग करने का मकसद भी यही है हमारा, ठीक है। और उसके बाद डोमेन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपने अपना एक स्टोर बना लेना है उसके बाद आपने डोमेन आप चाहे नेमचीप से खरीद लो या डोमेन आप गोडैडी से ले लो सस्ते में, मगर डॉट कॉम डोमेन आपने इसमें ऐड करनी है। जब आप ऐड कर लोगे आप यहाँ पर ऐड करोगे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आप डोमेन नेम पुट करके नेक्स्ट पे जाओगे। उसके बाद आपको बताया होगा कि कैसे सी नेम में आपने
शॉपिफाई की सेटिंग ऐड करनी है, तो होस्टिंग भी बेसिकली शॉपिफाई दे रहा होता है आपको बैकएंड पे, एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको शॉपिफाई दे रहा होता है, यानी कि ये चार्जेस आपके नहीं लग रहे होते, बट फिर मंथली $29 या वट एवर जो भी आपने पैकेज शॉपिफाई का सिलेक्ट किया हुआ है वो आपने जस्ट कॉस्ट देनी होती है, ठीक है। मगर डोमेन आप अपने तौर पे बाय करो, यानी कि डोमेन आप पहले कहीं से बाय कर लो, या यहाँ पर डोमेन्स में आके आप बाय न्यू डोमेन पे आके यहाँ बाय कर सकते हो, तो शॉपिफाई इसमें भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो प्रेफरेंसेस है ये ऑप्शन आपके स्टोर के लिए बहुत जरूरी है, लाइक ठीक है, जो आपका सर्च इंजन में होम पेज डिस्प्ले होगा उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन है ये, गूगल एनालिटिक्स का कोड आप लगा सकते हो, फेसबुक का पिक्सल कोड आप यहाँ पर पेस्ट करोगे जो आप ऐड चलाते हो, और उसका पिक्सल कोड आपको मैंने फेसबुक वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। आप वॉच करो मेरे चैनल पे youtube.com/meetfaizan, ठीक है, इस पे आप फेसबुक वाली वीडियो पे जाके देखोगे तो आपको ये वाली जो वीडियो है, हाउ टू प्रमोट सीपी एंड एफिलिएट ऑफर्स ऑन फेसबुक, ये वाली जो वीडियो है इस पे आप जाकर देखो कि मैंने फेसबुक पिक्सल कोड कैसे निकालना है, कैसे आपने प्रॉपरली फेसबुक की एड चलानी है, वो यहाँ से आप यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, उसके बाद आपने कर देना सेव। ये है आपका कंप्लीट शॉपिफाई की ट्रेनिंग कि शॉपिफाई को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ये A to Z है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी जिंदगी में शॉपिफाई के स्टोर को मैनेज कैसे करना है इसकी जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को अपनी वॉल पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।